हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में मेरे पास है ये एमईबी का बॉक्स पैक और इस बॉक्स के अंदर है 6 फीट लॉन्ग यूएसबी ए टू टाइप सी केबल। और आज के इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है उसका बॉक्स पैक, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बॉक्स के पीछे के साइड में इस केबल से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस मेंशन की गई हैं। इसमें बताया गया है कि ये टफ नायलॉन ब्रेडेड केबल है, 6 फीट लॉन्ग है और इसका जो आउटपुट है वो काफ़ी बढ़िया है, अप टू 2.4। और जो इसके सेल हैं, कनेक्टर हैं, वो एल्युमिनियम के बने हुए हैं। रिवर्सिबल कनेक्टर है और ये टैंगल फ्री है। तो ये है इसके स्पेसिफिकेशंस। अगर इस केबल की प्राइस की बात करें तो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पीछे के साइड में इसकी प्राइस मेंशन की गई है और इस केबल की प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 1199 रुपये। बट आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं 450 रुपये में। अगर आपको ये केबल लेना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हैं। और यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। दोस्तों, मैं यूज़ करता हूँ Mi A1 और उसके साथ जो मुझे चार्जर मिला था वो यहाँ से ब्रेक हो गया है कुछ इस तरह से, और अभी ये चार्ज नहीं हो रहा था। इसके अलावा मैंने एक लोकल मार्केट से भी एक केबल ख़रीदा था और उसका भी यहाँ से टूट गया कुछ इस तरह से। ये मुझे अराउंड 80 से 90 रुपये में मिला था मार्केट से, ये लोकल है। बट इसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी बढ़िया थी, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो बहुत ही घटिया थी, तो ये इतने वीक टूट गया। तो फिर मैंने ये एक ब्रेडेड केबल मंगाया था। जो केबल है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये एक मीवी का ब्रेडेड केबल है जो कि नायलॉन से बना हुआ है और काफ़ी मजबूत है देखने में, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छा दिखता है। और यहाँ पे जो इसके कनेक्टर हैं, जो सेल हैं, वो एल्युमिनियम के बने हुए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं, बहुत ही अच्छा दिखता है भी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। मैं इसे अभी फ़िलहाल, जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मैं फ़िलहाल यूज़ भी कर रहा हूँ इसे और बहुत ही बढ़िया है। और ये कंपनी दावा करती है कि इन्होंने बहुत बारी चेक करा है, ये यहाँ से टूटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ कि ये काफ़ी बढ़िया है। ये जो दोनों कनेक्टर हैं यहाँ से, वो एल्युमिनियम एलॉय के बने हुए हैं जो कि बहुत ही मजबूत है और काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। और शायद इसीलिए उन्होंने 450 रुपये चार्ज किए हैं एक यूएसबी केबल का। तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ये मीवी का यूएसबी ए टू टाइप सी केबल। अगर आपको टाइप सी केबल लेना है तो आप इस केबल को ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, 6 फीट लॉन्ग है तो अच्छी लेंथ भी है इसकी और आप इसे यूजली यूज़ कर पाएंगे। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ब्रेडेड केबल है जो कि इसको काफ़ी मजबूत बना देता है, इजीली ब्रेकेबल नहीं है और बहुत ही कूल दिखता भी है। और देख सकते, जो मुझे फ़ोन के साथ मिला था वो यहाँ से ब्रेक हो गया था, जिसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इसकी अपेक्षा। और साथ में मैंने एक लोकल मार्केट से भी खरीदा था तो उनके कंपेयर में ये काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों की हालत बहुत ही ख़राब है इसके सामने, और काफ़ी फास्ट चार्जिंग भी कर रहा है ये। मैं इसे फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ जब मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ उसके दौरान, और बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, फास्ट चार्जिंग भी है और काफ़ी मजबूत है। तो एक बढ़िया टाइप सी केबल है, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अगर ढूंढ रहे हैं एक टाइप सी केबल एक बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ और बढ़िया चार्जिंग के साथ, तो आप ये केबल ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव होता है, पीछे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।